वेलकम बच्चों, मैं हूं दुलारचंद दास और आप लोग देख रहे हैं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार। हमारा यह चैनल आपके पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया गया है। तो आज हम लोग लेसन 16 पढ़ाई करेंगे। ये क्लास 1 की इंग्लिश बुक है और इसमें एक पोयम दिया हुआ है, तो हम लोग आज इस पोयम को पढ़ेंगे। ब्रश 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 योर टीथ, ब्रश देम एवरी डे, फादर मदर सिस्टर ब्रदर, ब्रश देम एवरी डे। इस तरह से पढ़कर हम लोग इसको याद कर सकते हैं। इसमें बतला रहा है कि ब्रश करना है अपना हमारी दांतों को और रोज ब्रश करना है, मम्मी पापा बहन भाई सभी को ब्रश करना है। तो हम लोग रोज सुबह उठकर ब्रश करते हैं, उसी के बारे में बतला रहा है। और जो बच्चे ब्रश नहीं करते हैं उनको भी बतला रहा है कि ब्रश डेली करना है और ब्रश 2 टाइम करना है, सुबह में और फिर रात में सोने से पहले। उसके बाद यहाँ पे वॉश 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 योर फेस, वॉश इट एवरी डे, यहाँ पे अपने चेहरे को धोने के लिए बोल रहा है। तो ब्रश करने के बाद धोया जाता है। फादर मदर सिस्टर ब्रदर, वॉश इट एवरी डे, ये पापा मम्मी बहन भाई सभी को अपने फेस को धोना है। कॉम 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 योर हेयर, कॉम इट एवरी डे, फादर मदर सिस्टर ब्रदर, कॉम इट एवरी डे, कि बालों में कंघी करना है और रोज कंघी करना है, पापा मम्मी बहन भाई सभी को रोज कंघी करना है। इसके आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे ये पूरा परिवार भगवान की पूजा कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। तो इसमें देखते हैं नीचे में क्या लिखा हुआ है। प्रे प्रे मतलब प्रार्थना करना। तो प्रे 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 टू गॉड, प्रे टू हिम एवरी डे, कि भगवान का प्रार्थना रोज करना है और हम सबको मिलकर उनकी प्रार्थना करना है। फादर मदर सिस्टर ब्रदर, प्रे टू हिम एवरी डे, उनका प्रार्थना, पापा मम्मी बहन भाई सब मिलके भगवान का पूजा करना है। लेसन 16 यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसमें कोई भी क्वेश्चंस दिए हुए नहीं हैं, तो हम लोग इसके साथ में ही लेसन 17 भी पढ़ेंगे। लेसन 17 में दिया गया है कुछ क्वेश्चंस, जैसे सेंटेंस दिए गए हैं और उसका आंसर भी दिया गया है। तो हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। व्हाट इज दिस, यह क्या है। इज दिस ए लेटर बॉक्स, क्या यह एक पत्र पेटी है। यस दिस इज ए लेटर बॉक्स, हाँ यह एक पत्र पेटी है। व्हाट इज दिस, यह क्या है। इज दिस ए स्टाम्प, क्या यह एक टिकट है। यस दिस इज ए स्टाम्प, हाँ यह एक टिकट है। व्हाट इज दिस, क्या है यह। इज दिस ए पोस्ट कार्ड, क्या यह एक पोस्ट कार्ड है। यस दिस इज ए पोस्ट कार्ड, हाँ यह एक पोस्ट कार्ड है। व्हाट इज दिस, क्या है यह। इज दिस एन इनलैंड लेटर, क्या यह एक अंतर्देशीय पत्र है। यस दिस इज एन इनलैंड लेटर, हाँ यह एक अंतर्देशीय पत्र है। व्हाट इज दिस, यह क्या है। इज दिस एन इनवेलप, क्या यह एक लिफाफा है। यस दिस इज एन इनवेलप, हाँ यह एक लिफाफा है। हु इज दिस मैन, यह कौन आदमी है। इज ही ए पोस्टमैन, क्या यह एक डाकिया है। यस ही इज ए पोस्टमैन, हाँ यह एक डाकिया है। यहाँ पर लेसन 17 समाप्त हो जाता है और इसमें भी कोई क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं, इसीलिए हम लोग लेसन 18 को भी पढ़ लेंगे। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके आंसर भी दिए हुए हैं। तो आइए हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। व्हाट इज दिस, यह क्या है। इज इट ए टेबल, क्या यह टेबल है। नो इट इज नॉट ए टेबल, नहीं यह एक टेबल नहीं है। इट इज ए चेयर, यह एक कुर्सी है। व्हाट इज दिस, क्या है यह। इज इट ए टॉफी, क्या यह एक टॉफी है। नो इट इज नॉट ए टॉफी, नहीं यह एक टॉफी नहीं है। इट इज एन इरेजर, यह एक इरेजर है। व्हाट इज दिस, यह क्या है। इज इट ए बाइसाइकल, क्या यह एक साइकिल है। नो इट इज नॉट ए बाइसाइकल, नहीं यह एक साइकिल नहीं है। इट इज ए मोटरसाइकिल, यह एक मोटरसाइकिल है। व्हाट इज दिस, यह क्या है। इज इट ए टूथब्रश, क्या यह एक टूथब्रश है। नो इट इज नॉट ए टूथब्रश, यह एक टूथब्रश नहीं है।
इट इज ए शू ब्रश, यह एक जूता पॉलिश करने वाला ब्रश है। वॉट इज दिस, यह क्या है? इज इट ए कॉम, क्या यह एक कंघी है? नो, इट इज नॉट ए कॉम, यह एक कंघी नहीं है। इट इज ए नाइफ, यह एक चाकू है। वॉट इज दिस, यह क्या है? इज इट ए रेडियो, क्या यह एक रेडियो है? नो, इट इज नॉट ए रेडियो, यह एक रेडियो नहीं है। इट इज ए टेलीविजन, यह एक टेलीविजन है। वॉट इज दिस, यह क्या है? इज इट ए टीवी सेट और वीसीआर, क्या यह एक टीवी सेट है या वीसीआर है? नो, इट इज नॉट टीवी सेट और वीसीआर, नहीं यह टीवी सेट या वीसीआर नहीं है। इट इज ए कंप्यूटर, यह एक कंप्यूटर है। यहाँ पे लेसन 18 समाप्त हो जाती है और इसमें क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं आइए हम लोग देखते हैं। ये देखिए इसमें लेसन 18 में ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पोयम को ब्रश ब्रश वाले पोयम को याद करने के लिए और लिखने के लिए कहा जा रहा है और उस पोयम में कुछ और एक्शन अपने आप जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। बी नंबर में ये देखिए करेक्ट द फॉलोइंग, ये स्पेलिंग जो दिया हुआ है वर्ड, इस ये गलत स्पेलिंग है, इसको आप लोगों को ठीक करना है और इसके सेंटेंस बनाने हैं। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसके सेंटेंस बनाने हैं और यहाँ पे ये वर्ड्स जो दिए हुए हैं इसको प्लूरल फॉर्म में बनाना है, ये सिंगुलर फॉर्म में है। तो आइए मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का आंसर बना के दिखाता हूँ। ये चैप्टर 18 का क्वेश्चन आंसर है। बी नंबर में करेक्ट द फॉलोइंग, ये वर्ड्स दिए हुए थे जो गलत था उसको सही करना था, तो यहाँ पे सारे वर्ड्स को सही कर दिया गया है। और सी नंबर में मेक सेंटेंसेस विद, सी नंबर में जो वर्ड्स दिए हुए थे उसके सेंटेंस बनाने थे, तो यहाँ पे हमने उसका सेंटेंस बना दिया है। टॉफी, नाइफ, टेलीविजन, कंप्यूटर, सारे वर्ड्स का सेंटेंस यहाँ हमने बना दिया है। और यहाँ पे इसको प्लूरल फॉर्म में बनाना था, चेयर, चेयर्स, कॉम, कॉम्स, इसमें सभी में एस लगाकर इसे प्लूरल फॉर्म बना दिया गया है। तो यहाँ पे लेसन 18 पूरी तरह समाप्त हो जाती है। हमारे इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा भी मदद मिलता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगली वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग अगली वीडियो में चलते हैं।